के मुख्यमंत्री श्री बीरबल नाथ जी कथिया सर, हमारे जिलाध्यक्ष श्री राम गोपाल जी सर, बीरबल नाथ जी, जिला महामंत्री श्री सही राम जी, अध्यक्ष कृषि मंडी ओ साहब श्री सुमित चौधरी, महामंत्री जिला महामंत्री सरपंच कथिया सर जी, पूरा राम जी, श्री चंपालाल जी केदर जो हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं, श्री हेमनाथ जी, श्री किशन जी और श्री अशोक कुमार जी भाटी, और यहाँ देखूँ मैं हमारे राष्ट्रीय सचिव उपेंद्र जी, पूर्व मंत्री राम नारायण जी डूडी जी और बीकानेर चेयरमैन साहब को नाम ले लिया मैंने, जसनाथ समाज के अध्यक्ष रामनाथ जी और हमारे मंडल अध्यक्ष पूरा राम जी, और इधर इतनी संख्या में बैठे हुए सब मेरी माता बहने, सब मेरे साथ भाई और बुजुर्गण और महानुभाव, पार्टी के सब कार्यकर्ता नेतागण, फोटोग्राफर प्लीज इधर से हट जाओ। आज आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सिद्ध समाज को, जिनकी वजह से इस सुंदर अति सुंदर मंदिर में दर्शन करने का मुझे ये मौका मिला। और मैं जसनाथ महाराज के सामने अपना सिर झुकाती हूँ कि देखो आज अगर हेलीकॉप्टर से आती तो यही मंदिर मिलता, परंतु मालूम नहीं क्या हुआ आज सुबह हम लोगों ने तय किया कि हम लोग बस से ही चलेंगे, तो काली वो अपने माता जी सती माता जी के भी दर्शन हो गए और साथ में ये भी हो गया। और मुझे ये बताया जाता है कि जब भी इस मंदिर में आना होता है तो सबसे पहले सती माता का भी दर्शन करना होता है, तो भगवान ने ऐसे कर दिया। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ईश्वर के ऊपर अपने को अटूट विश्वास रखना चाहिए, जो भी करता है वो सही करता है और सोच समझ के हमारे लिए करता है। हमको लग सकता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, परंतु देखेंगे आगे चल के तो जो भी वो कर रहा है वो हमारे लिए सही ही हो रहा है। कौन सोच सकता था, हमने तो तय कर लिया था कि हेलीकॉप्टर से 3 पॉइंट करके हम लोग निकल जाएंगे, मालूम नहीं कहां से ये हुआ कि नहीं 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 अपन तो ये मंदिर तक तो अपन बस में चले, और अगर बस में नहीं चलते तो मेरे एक मंदिर का मैं वंचित हो जाती दर्शन के। आज जसनाथ जी महाराज ने मेरे दोनों मंदिर के दर्शन करा दिए, उसके लिए मैं उनके तो आभारी हुई इतने महान संत के, परंतु आप लोग सबके भी मैं आभारी हूँ क्योंकि आपकी वजह से मेरे को ये दोनों करने का ये मौका मिल गया। आज आप लोगों के बीच में सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देने आई हूँ, सिद्ध समाज को मिलने आई हूँ, और आपके इस कथिया सर के बारे में कुछ समझ जो मेरे पास आई है उसको आपके सामने रखने के लिए आई हूँ। मुझे मालूम है कि वर्ष भर में यहाँ 3 बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं, और मैंने पता किया तो बताया कि सती माता के उधर से लगते हुए यहाँ तक पहुँचता है, बहुत जोरदार मेला होता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के लोग आते हैं, पंजाब और हरियाणा के भी लोग आते हैं, और इसके बावजूद भी यहाँ लोगों का कहना है कि जो आपका चिकित्सा का इंतजाम है वो बिल्कुल ही वाहिया, उप स्वास्थ्य केंद्र है, परंतु उप स्वास्थ्य केंद्र से इतने सारे लोगों का कैसे फायदा हो सकता है, ये लोगों ने मेरे सामने कहा। वो कहते हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर भी जो आपकी नर्स है वो सप्ताह में शायद खाली 3 दिन के लिए आती है। नापासर के सरकारी अस्पताल में महिला चिकित्सक नहीं है, ये महिलाओं को कितने दूर वापस जाना पड़ता होगा, और एक्सरे मशीन 6 महीने से खराब है और इसके ऊपर किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया, ये भी मैं समझती हूँ कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम है, क्योंकि जब गांव इतने दूर दूर होते हैं तो ये जो हमारी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर वो जनता और कहीं जा भी नहीं सकती। ये भी बताया जा रहा है कि बिजली की बहुत कठिन समस्या है आपके यहाँ, जो सिंगल फेज की बिजली है, माता बहने मैंने पहली दफा राजस्थान के अंदर ऐतिहासिक काम, मैंने पहली दफा लाइन को 2 में बांटा और बांट के सिंगल फेज की लाइन आपके लिए की, मैं इसलिए की कि घरों के अंदर आप लोग ठंडक में गर्मी के दिनों में जहाँ 50-50 डिग्री गर्मी होती है वो आप लोगों को एक लाइन मिल जाएगी तो लट्टू जल जाएगा, आपका अगर फ्रिज है या आपका कूलर है या कोई ऐसी बात है तो वो चल जाएगा, घर ठंडा हो जाएगा जब आप खाना बनाती हो, बच्चों को पढ़ाई करना पड़ता है तो उस समय एक लट्टू है कहीं दूर उसको जाने की जरूरत नहीं होगी,
और जब किसान और व्यापारी लोग वापस आएंगे थके मांदे काम से, तो उनको भी एक ठंडा घर मिलेगा, ये सोच करके मैंने आपको वो लाइन दी थी। और मेरे जाने तक 18-20 घंटे तक मैंने लाइन देने का काम, पावर देने का काम शुरू कर दिया। मैं मानती हूँ कि अगर थोड़े दिन और रह जाती तो 24 घंटे बिजली आपको मिलती, और मैं वैसे भी आपको कह रही हूँ कि आने वाले समय के अंदर घरेलू बिजली 24 घंटे आपको देके मैं छोड़ूंगी। मैंने वादा तब किया था, इस वादा को मैं अब भी पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी, मौका मिलेगा तो ये जरूर होगा। थ्री फेज बिजली, थ्री फेज बिजली भी बहुत ही मुश्किल है। मेरे किसान भाई मेरे को ये कह रहे हैं कि हमको वादा तो किया है घोषणा पत्र के अंदर के 8 घंटे बिना ट्रिपिंग के और अच्छी बिजली आपको दी जाएगी, परंतु हमको 2 या 3 घंटे मुश्किल से मिलता है, वो इतने जोरदार ट्रिपिंग होता है कि हमारा काम ही नहीं होता। अब बरसात भी आ गई है, हम लोग खेत में जाएंगे, परंतु अगर हमारी बिजली नहीं है तो हम क्या काम करेंगे। किसान कहता है अगर हमें बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाद नहीं है, बीज नहीं है, सब महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगा अगर हो जाता है तो हम कहाँ जाएंगे। हम तो आत्महत्या के कगार पे आके बैठ गए हैं, कोई हमारी जान बचाने वाला है तो बचाए। महंगाई इतनी हो गई है भाई, पेट्रोल के दाम 2 रुपए और बढ़ गए। ये सब की वजह से लोग परेशान हैं, किसान तो बहुत ही परेशान है, और वो कह रहे हैं कि थ्री फेज बिजली के कनेक्शन हमको वो भी नहीं मिले। ये एक एक साल, दो दो साल से हम लोगों ने कनेक्शन के लिए डिमांड भरा हुआ है, परंतु हमारी डिमांड की किसी ने अनसुनी कर दी है, और अभी तक हमको नए कनेक्शन नहीं मिले। किसी को मिला नया कनेक्शन? नहीं मिला, या पाला पड़ा था, नुकसान हुआ था क्या? आपके यहाँ नुकसान हुआ था क्या? कई गांव में हुआ था, वहां जयपुर में मैंने पढ़ा कि नुकसान को ठीक करने के लिए उन्होंने ये कह दिया था कि हमने नया पैकेज बना के किसानों को देना है। उस पैकेज के अंदर हम उन लोगों को बिजली के दाम मैंने कम कर देंगे और पैसे का पैकेज अच्छा बना के हम किसानों को दे देंगे। आपको मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। इसी तरीके से कह रखा था कि सरकार विभाग की ओर से आपको 1,50,000 कर्जा मिलेगा, जिसमें हम आपको ब्याज देने की जरूरत नहीं होगी। किसी किसान को मिला? नहीं मिला। जब ये आपका ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो ट्रांसफार्मर को 72 घंटे के अंदर हम वापिस करा करते थे। अब मैं सुन रही हूँ कि 72 घंटे तो छोड़ो, 1 महीना 2 महीना लग जाता है, और जब आता है तो रिश्वत के बिना नहीं आता, 20-25 हजार रिश्वत देना पड़ता है ना, रिश्वत देना पड़ता है तभी आता है। 4-4 महीने में, 2-2 महीने, 3-3 महीने, यहाँ तो वो तो वहां, 2-2 महीने आपके अंदर, यहाँ तो कौन आता होगा, कौन आता होगा? तो सोचते ही होंगे कि भाई यहाँ कौन जाएगा, कौन किसी को बताएगा, कोई मंत्री तो आता नहीं है दौरा करने के लिए, मुख्यमंत्री आता नहीं है दौरा करने के लिए, यहाँ किसी की पूछ ही नहीं है। तो मनमानी करो, और लेना है तो पैसे अच्छे ले, मोटे रिश्वत लेके फिर काम करो। ये VCR सब दूर घूम रहे हैं, VCR कर रहे हैं, ये VCR के अंदर बहुत सारे लोगों को परेशान किया हुआ है, जहाँ उसकी 2000 की बिल है उस 2000 का बिल 20,000 हो जाता है, जहाँ 20,000 का बिल है वो 2 लाख का हो जाता है, कहीं 2-2, 3-3, 4-4 लाख हो गए। मैं सबको कह रखा है कि सरकार अपनी आएगी, अपन सबसे पहले तो इनको दंडित करेंगे जिन्होंने इस तरीके से बदमाशियां करके आप लोगों को परेशान किया है, और उसके बाद जिन्होंने इस तरीके से पैसे उठाए हैं वो पैसे भी वो गरीब जनता को अगर वापस किए जाएंगे उनको भी दंडित किया जाएगा, और पैसे भी वापस किए जाएंगे अगर उन्होंने बदमाशियां की हैं तो। ये भी मैंने कह दिया है, ये सब काम सही तरीके से लाइन पे आ जाना चाहिए। अब मैं ये देख रही हूँ कि सामान की जोरदार कमी बताते हैं, आप लोगों को चक्कर लगाते हैं, एक दफा में तो सामान मिलना ही नहीं है, 2-3-4 दफा जाओगे थोड़ा सा उनको दोगे, उसके बाद आपको ही मिलेगा, आप ही ले जाइए पोल, आप ही ले जाइए बिजली, आप ही ले जाइए मीटर, सब आप ही करिए, तो फिर सरकार काहे के लिए बैठी है। अभी मैं सवाई माधोपुर में थी तो एक गरीब किसान मेरे सामने आया, उसने बोला ये जो मेरे कंधे के ऊपर टंगा है ये तो है मीटर, और जो मेरे हाथ में है वो है बिल, और मेरे हाथ में बिल है 5,000 रुपए का, मेरा मीटर नहीं लगा है और मेरा अभी तक कनेक्शन नहीं लगा है और मेरे हाथ में बिल आ गया है। रात को ही मैंने उन विभाग को फोन किया और मैंने कहा मैं मारूं कि देख लेना इसी तरीके से करोगे आप लोग, इस तरीके से करोगे तो जनता छोड़ेगी नहीं आप लोगों को। आज इस तरीके से आप लोग गरीब को परेशान कर रहे हो तो क्या चाहते हो उस गरीब से? रातों रात उसका कनेक्शन दिलवाया और रातों रात उसका बिल माफ करवाया और उसका मीटर लगवाया, और मैंने कहा जो भी इस तरीके से परेशान करता है गरीब जनता को उसको हम लोग कोई भी बख्शेंगे नहीं, ये चीज ध्यान रखिए। मैं तो ये भी सुनती हूँ कि कांग्रेस के नेता भी दलाली की करते हैं, दलाली की भूमिका निभाएगा। मेरे यहाँ की जो खबर आ रही है मेरे पास,
क्या ये सही है? दलाली करते हैं। अब और क्या बताएं, आप क्या कहें? ये शर्म आती है, हम किसके पास जाएंगे, किसको कहेंगे, वो समझ में नहीं आता है। मैं अभी पूछ रही थी कि सिंचाई एरिया के अंदर जहां नहरें हैं, वहां नहरों के अंदर हम लोगों ने इतना सारा काम किया था। उन नहरों के अंदर हमने जो जर्जर थी उनको ठीक करवाया, डिसिल्टिंग के लिए 20 तो मशीन खरीदवाए, पैसा खर्च किया और उनके अंदर मोगों को ठीक किया और तेल तक पानी पहुंचाने का काम किया। तो अब मेरे को मालूम हो रहा है कि वो सब खर्चा वैसे ही पड़ा, क्योंकि डीजल नहीं मिल रहा, इसीलिए कोई मशीन इस्तेमाल नहीं कर रहा। सरकार को डीजल नहीं मिल रहा है, उसके पैसे नहीं है। क्या सरकार है ये? अगर 20 लाख नहीं दे सकती, 30 लाख नहीं दे सकती, तो कैसी सरकार है? सरकार वोट कैसे लेना है वो तो जानती है कि आप लोगों के बीच में पैसा फेंक रही है। अरे लुगड़ी नहीं मिली, चलो लो पैसा, लैपटॉप नहीं मिला लो पैसा, चावल नहीं तो लो पैसा, आपका साइकिल नहीं तो लो पैसा, हर चीज के एवज में लो पैसा। ये तो मैं कह रही हूँ कि अगर बिजली उनको देना नहीं पड़ता और कोई आसान चीज होती तो कहते कि लो पैसा, अपनी बिजली का इंतजाम तुम ही कर लो। पानी का होता तो कहते कि पानी का इंतजाम तुम ही कर लो, ये लो पैसा। ये क्या तमाशा है? काय के लिए सरकार बिठाई हमने? क्या काम करोगे उस सरकार से? जो सरकार को जिस तरीके से और जिस वजह से बिठाया है, अगर वो नहीं करती है काम, तो फिर उसको उस कुर्सी पे बैठने का एक भी एक मिनट का भी वो नहीं होना चाहिए। वो तुरंत ही उठा देना चाहिए उनको सरकार से, और ये आएगा समय उसमें आप लोग कोई भी पीछे मत रहना। भारतीय जनता पार्टी, तहसील की सड़कें, अरे कहां से सड़कें लाए हो ये? क्या जर्जर हालत में सड़कें हैं पूरे इलाके के अंदर, पूरे पांचों संभाग के अंदर जो मैंने देखा सड़क की हालत ऐसी जर्जराई हुई है। जहां कहते सड़क है वहां गड्ढा है, और गड्ढा नहीं तो कौन से सड़क है? जहां जहां सड़क होनी चाहिए वहां बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये रथ के अंदर खाना खा के तुरंत ही हजमा लो, ऐसी स्थिति है। कतियासर के अंदर पशुपालन आपका सबसे मुख्य व्यवसाय है, मावे का उत्पादन यहाँ बहुत सा होता है, लेकिन पशु चिकित्सालय का जोरदार अभाव है और इसकी वजह से पशुपालकों को बहुत बहुत कठिनाई होती है। क्या ये सही है? है नहीं डॉक्टर? क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों के अंदर अध्यापक नहीं है और शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। कल को हमारे बच्चों को अगर हमको नौकरी दिलवानी है और अगर एग्जामिनेशन में बिठाना है, तो मेरे को ये बताओ कि ये बच्चों का क्या होगा अगर टीचर ही नहीं है स्कूल में पढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ आप लोगों ने सबसे विशेष समस्या जो बताई है, वो हमारी सबसे विशेष समस्या है हमारी पानी की। अगर आप इस विशेष समस्या को ठीक कर सकते हो तो हम सब जी जाएंगे, नहीं तो हमारी सबकी तो हालत खराब होगी। मैंने कहा है कि सिंगल फेज की बिजली और पीने का पानी, जो फिल्टरेशन प्लांट्स को ठीक करके फिर बनाना है, वो फिल्टरेशन प्लांट्स को ठीक करेंगे और सही पर्याप्त और साफ पानी आप तक पहुंचाने का वो काम करेंगे। ये हम लोगों को बैठ के करना है, ये सरकार अपनी आएगी, अपने को सबसे पहले यही काम करना है, ताकि किसानों को और घरों में ये नहीं हो कि आदमी गंदे पानी को पी के बीमार हो जाए। ऐसी स्थिति 65 साल के बाद हमारे यहाँ होनी नहीं चाहिए। आज आप ये देखो, लोकतंत्र के 65 साल हो गए, उधर आप देखो नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी ने 15 साल में गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया। इधर आप मध्य प्रदेश को देख लो, मध्य प्रदेश ने 10 साल के अंदर मध्य प्रदेश को कहां पहुंचा दिया है। और यहां राजस्थान को देख लो, अरे मेरा समय निकाल दो 5 साल, भैरव सिंह जी का समय निकाल दो 7 साल, ऐसे 12 साल निकाल दो, तो 53 वर्ष हम लोगों ने लगातार कांग्रेस को दिया। अगर ये आपने हम लोगों को दिया होता तो इसको चमन बना के छोड़ देते, चमन बना के छोड़ देते। आज व्यर्थ में पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। कैसे गड्ढे में? मुझे याद है कि जब आपने बीमारू प्रदेश मेरे को पकड़ाया था, तो 5 साल में कैसी मुश्किल से हम लोगों ने उस बीमारू प्रदेश को पैर पे खड़ा करने की कोशिश की थी। आज बीमारू से बीमारू बना के मैं छोड़ता हूं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजस्थान को अगर हमको नया राजस्थान बनाना है, एक ऐसा राजस्थान अगर बनाना है जिसमें महिलाएं सुरक्षित चले। आज महिलाओं के साथ जैसे जैसे अत्याचार हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, कहीं नहीं हो रहा है, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं है तो वो राजस्थान में, अखबार में आया है। नंबर 1 प्रदेश भ्रष्टाचार में पूरे देश के अंदर कौन सा? राजस्थान। आपके इस क्षेत्र के अंदर पूरी जमीन बिक गई, किसानों को नहीं गई, रॉबर्ट वाड्रा को गई कि 10,000 बीघा लेके चला गया और हम लोगों ने
प्यार से उसको बुलाया, आओ आओ, और सस्ते में दे दिया और वो महंगे में बेच के चला गया। हमारे किसान वंचित, हमारे किसान को दो बीघा नहीं देने को तैयार है हम, परंतु बाहर के लोग आएंगे, ले जाएंगे, हमारे जेब भरेंगे, कितनी खुशी की बात है। ये सब चीज हो रहे हैं भाइयों। मैं तो कह रही हूँ कि अपने को एक नया राजस्थान बनाना है, एक विकसित राजस्थान बनाना है, एक ऐसा राजस्थान बनाना है जिसमें हम सब खुशहाल हो, हमारे परिवार खुशहाल हो। और इसको ठीक करने के लिए ये धाम जो आपके हैं उनके दर्शन करो और तय करो उनके सामने कि हम 36 के 36 को साथ में लेके चलेंगे, सब जो हमारे मजहब है उनको साथ में लेके चलेंगे, हमारे बीच में प्रेम रखेंगे, प्रेम की नदी बहाएंगे, हम एक दूसरे के बीच में जो दीवारें खड़ी कर दी है उन दीवारों को खत्म करेंगे और राजस्थान का ये पूरा परिवार बाहर निकल के विकास के पथ पर लग जाएगा, ताकि आने वाले समय के अंदर लोग राजस्थान आएंगे, क्योंकि राजस्थान होगा नंबर एक प्रदेश पूरे देश के अंदर। ऐसा सपना हम लोगों ने देखा है, इसको पूरा करने की हिम्मत है अगर है तो आज इनके सामने संकल्प लेना कि हमारे में हिम्मत है, हम लोग मिलके दोनों हाथ ऊपर करके राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि हमारे परिवार भी आगे बढ़ सकते हैं। एक जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आप सबको मैं बहुत सारा प्यार, बहुत सारा।